नमस्कार मित्रों, एसएससी स्टेनोग्राफर जोन में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है रामधारी गुप्ता की हिंदी आशुलिप उच्चगत अभ्यास खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 67 और 68, गति 100 शब्द प्रति मिनट। नए डिक्टेशन की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। इस डिक्टेशन की पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें या हमारी वेबसाइट gkword.co.in को विजिट करें। किसी भी तरह की हेल्प के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके ज्वाइन करें। 5 सेकेंड्स स्टार्ट। महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है, इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। साथ ही साथ काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए, लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएंगी। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे, नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हों तो उन पर विजय पानी ही होती है, और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयां हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों न हों, कठिनाइयां कैसी भी क्यों न हो, सरकार का यही संकल्प है। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूँ कि प्रायः जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि बांध होता क्या है। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया
कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों, वहां रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है, इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं, शायद वे सभी समाजों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमजोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमजोर न कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत बनेंगे, जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की हैं, परंतु उनमें एकता नहीं है, उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी हैं, लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांगे नहीं हैं। स्टॉप। इस डिक्टेशन की पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें या हमारी वेबसाइट gkword.co.in को विजिट करें। किसी भी तरह की हेल्प के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके ज्वाइन करें।